मासिक शिवरात्रि को भगवान शिव की आराधना का एक विशेष पर्व माना जाता है। इस दिन विवाहित महिलाएं भगवान शिव को प्रसन्न करने व मनोकामना पूर्ण कराने हेतु भगवान शिव की पूजा व व्रत करती हैं। भगवान शिव, जिनके भक्त प्यार से उन्हें भोला भी कहते हैं, पुराणों व कथाओं के अनुसार भगवान शिव को बहुत दयालु माना गया है, क्योंकि भगवान शिव ने कभी भी किसी भी देवी देवता, भक्त, यहाँ तक कि राक्षसों तक का भी हृदय नहीं दुखाया। सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले भगवान शिव की कैसे करें आराधना, आइए मेरे साथ। मेरा नाम अवनीश शर्मा और आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम आस्था की परिक्रमा में। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे मनाएं मासिक शिवरात्रि और कैसे होंगे भगवान शिव प्रसन्न। आइए जानते हैं मासिक शिवरात्रि की व्रत कथा के बारे में। पौराणिक कथाओं व धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान शिव शिवरात्रि के दिन मध्य रात्रि में शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे। शिवलिंग के प्रकट होने के कुछ समय बाद ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने उनकी पूजा सबसे पहले की थी। जब से लेकर आज तक उस दिन को भगवान शिव के जन्म दिवस के रूप में पूजा जाता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा करने से मनचाहा वरदान प्राप्त होता है। शिवरात्रि को पूजा का खास महत्व भी है। यदि हम इस दिन भगवान शिव की सुसंगठित ढंग से पूजा अर्चना करते हैं तो हमें यश, कीर्ति, वैभव, धन संपत्ति आदि की प्राप्ति होती है। कई कथाओं व पुराणों के अनुसार तो माता सीता, रति, लक्ष्मी, सरस्वती व माता पार्वती ने भी शिव की आराधना करके अपने जीवन का उद्धार किया। जाने पूजा की विधि। मासिक शिवरात्रि और महाशिवरात्रि का दिन विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है। इस दिन व्रत व पूजन से जातक के सारे बिगड़े काम बन जाते हैं व संतान की भी प्राप्ति होती है। भगवान शिव की पूजा कुंवारी लड़कियां इसलिए भी करती हैं कि उन्हें एक अच्छा जीवन साथी मिल सके। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मासिक शिवरात्रि मनाई जाती है। मासिक शिवरात्रि वर्ष के हर माह में व महाशिवरात्रि वर्ष में एक बार मनाई जाती है। पूजा की विधि। प्रातःकाल जल्दी उठे, स्नान आदि करने के बाद भगवान शिव के मंदिर जाए। विधिवत बेलपत्र, दूध, गंगाजल, पुष्प, धूप, घास, मिष्ठान, चावल आदि सूर्य उदय के बाद शिवलिंग पर ये सभी विधिवत अर्पित करें। गाय के देसी घी से एक दीपक जलाएं। पीले कनेर के पुष्प व माला शिवलिंग पर अर्पित करें। केसर से बनी चावल की खीर से भगवान शिव को भोग लगाएं। ये सब करने के बाद 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। इस कार्यक्रम को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।